आज नया यूनिट हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक देखते हैं जोन ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे इज़ डिवाइडेड इन 18 जोन्स। इसे ये सारे जोन्स आप देख सकते हैं, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया को 18 जोन्स में डिवाइड किया गया है और हर जोन का एक हेडक्वार्टर बनाया गया है। जैसे सेंट्रल रेलवे है CR, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसका मुंबई है इसका हेडक्वार्टर। उसी तरह ईस्टर्न रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे है, साउदर्न, वेस्टर्न, और इस तरह से कई एक जोन्स हैं। इन सारे जोन्स को सारे जोन्स में डिवाइड किया गया है पूरे इंडियन रेलवे को, और हर जोन का एक हेडक्वार्टर बनाया गया है। तो ये सारी लिस्ट यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग रेलवे के जो ख़ास टॉपिक है। परमानेंट वे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे फिटेड ऑन स्लीपर एंड रेस्टिंग ऑन ए ब्लास्ट एंड द सब ग्रेड कॉल्ड ट्रैक और परमानेंट वे। परमानेंट वे क्या होता है? परमानेंट वे का मतलब है कि जो ट्रैक जो बनाया जाता है, और ट्रैक जनरली जो कंस्टिट्यूट होता है, ये सब ग्रेड का, इसमें जो पार्ट्स है सब ग्रेड है। सब ग्रेड मतलब दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड वेल कॉम्पैक्टेड अर्थ सरफेस। उसके ऊपर ब्लास्ट डालते हैं। ब्लास्ट का मतलब ये एग्रीगेट्स हो सकता है या और भी तरह के मटेरियल होते हैं ब्लास्ट में। और उसके ऊपर स्लीपर्स प्रोवाइड किया जाता है। स्लीपर्स का मतलब ये कंक्रीट का एक बीम होता है, कंक्रीट का, स्टील का या वुडन मटेरियल। अलग अलग तरह के स्लीपर्स के भी टाइप होते हैं। और ये उस स्लीपर के ऊपर रेल जो पटरी है, उस पटरी को लेट किया जाता है। तो जैसा कि नीचे डायग्राम है, उसमें डायग्राम में दिख रहा है, सबसे बॉटम मोस्ट लेयर है सब ग्रेड, सब ग्रेड के ऊपर सब ब्लास्ट, सब ब्लास्ट में उसके ऊपर आता है ब्लास्ट कुशन। ब्लास्ट कुशन का मतलब जो उसका डेप्थ है, जो बेड है, उस डेप्थ को या फिर एग्रीगेट या फिर जो भी अदर मटेरियल्स यूज़ करते हैं उसके डेप्थ, उसके बेड को हम लोग ब्लास्ट कुशन कहते हैं। ब्लास्ट कुशन के ऊपर स्लीपर्स प्रोवाइड किया जाता है और स्लीपर के ऊपर रेल्स। तो ये इसका इस तरह के ऑर्डर में रहता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम परमानेंट वे या फिर ट्रैक कहते हैं। तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं सब ग्रेड, सब ब्लास्ट, ब्लास्ट, स्लीपर और रेल। रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड परमानेंट वे, परमानेंट वे है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, इसके रिक्वायरमेंट्स क्या होने चाहिए। गेज शुड बी करेक्ट एंड यूनिफॉर्म। जो गेज का मतलब है दो रेल के बीच का डिस्टेंस, जिसकी रेल की जो चौड़ाई होती है उसे गेज कहते हैं। तो गेज जनरली इंडिया में ज़्यादातर जो रेलवे है ब्रॉड गेज है, तो ब्रॉड गेज की चौड़ाई या फिर विड्थ जो है वो होती है 1.76 मीटर। उसके अलावा भी दो और तरह के गेज होते हैं, एक होता है मीटर गेज और दूसरा होता है नैरो गेज। तो ये ऑलमोस्ट ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, या फिर कहीं पर इस तरह का जैसे पहाड़ी एरिया है वहाँ पर मीटर गेज या नैरो गेज का यूज़ बहुत कम डिस्टेंस के लिए होता है। तो गेज शुड बी करेक्टेड एंड यूनिफॉर्म, मतलब कि जो भी परमानेंट वे है स्लीपर के ऊपर जो रेल बनाया गया है, पटरी बिछाई गई है, तो उसका गेज हर जगह पे करेक्ट होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए। गेज में चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो इट शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। नेक्स्ट है रेल शुड बी प्रॉपर लेवल, इसकी लेवलिंग अच्छी होनी चाहिए, जैसा इसको स्लोप प्रोवाइड किया गया हो या फिर प्लेन हो तो इसकी लेवल, ये लेवल्ड होना चाहिए। अलाइनमेंट शुड बी करेक्ट, इसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए। ग्रेडियंट शुड बी यूनिफॉर्म एंड ट्रांजिशन इन वर्टिकल एंड वर्टिकल ट्रांजिशन इन वर्टिकल कर्व शुड बी स्मूथ। अलाइनमेंट इसका करेक्ट, उसके बाद इसका ग्रेडियंट यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर स्लोप है या फिर अपवर्ड है या डाउनवर्ड स्लोप है तो यूनिफॉर्म स्लोप होना चाहिए। ट्रांजिशन इन वर्टिकल कर्व, ट्रांजिशन इन वर्टिकल कर्व मतलब जो कर्व अगर ग्राउंड ज़मीन अगर अपवर्ड या पहाड़ी एरिया में है या फिर थोड़ा सा अप या डाउन होता है, तो ट्रांजिशन वहाँ पर यूनिफॉर्म होना चाहिए। अचानक से कर्व या हाइट उसका नहीं बढ़ना चाहिए, धीरे 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 करके बढ़ना चाहिए, कर्व में वर्टिकल कर्व में मूव होना चाहिए। नेक्स्ट है गुड ड्रेनेज, परमानेंट वे में ड्रेनेज की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग होने से वो
इसको ख़राब कर सकता है, ट्रैक को ख़राब कर सकता है, इसलिए वाटर लॉगिंग इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रैक शुड बी रिजल्टेड विल बी रेजिलेंट, ट्रैक शुड बी रेजिलेंट, रेजिलेंट दैट शुड बी मस्ट बी सर्टेन अमाउंट ऑफ इलास्टिसिटी इन द ट्रैक। रेजिलेंट होना चाहिए, ट्रैक की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, रेजिलेंट हो, मतलब ये जो लोड आता है उस लोड को थोड़ा सा ऐसा ट्रैक इसका रेजिलेंट होना चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ा सा इलास्टिक, जैसे लोड पड़ने पे, लोड पड़ने पे ट्रैक थोड़ा सा नीचे दबता है और लोड रिमूव होने के बाद वो फिर से अपने पोजीशन पे, लेवल पोजीशन पे आ जाना चाहिए। तो इस तरह का इसका नेचर होना चाहिए, रेजिलेंट होना चाहिए, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ में होनी चाहिए। जॉइंट्स शुड बी प्रॉपरली डिज़ाइन एंड मेंटेन, रेल के जॉइंट्स जो होते हैं वो डिज़ाइन उसकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब प्रॉपरली डिज़ाइंड होना चाहिए और उसका मेंटेन अच्छे से करना चाहिए ताकि इसमें कोई फेलियर्स के चांसेस ना रहे, क्योंकि रेल्स अक्सर जॉइंट्स से फेल होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होता चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ रेल। रेल, रेल का मतलब है पटरी। रेल ऑफर ए हार्ड एंड अंडरलाइंग सपोर्ट सरफेस टू द रिजिड व्हील रोलिंग ऑन इट। रेल का काम क्या है, रेल का मतलब तो है कि पटरी, रेल का काम है कि ये एक जो इसके ऊपर व्हील है या फिर जो ट्रेन है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो इसका पहला, सबसे पहला काम है एक सपोर्ट सरफेस के तौर पे इस पर एक्ट करता है। रेल एक्ट्स एज ए बीम एंड ट्रांसमिट द व्हील लोड टू द स्लीपर, इट आल्सो एक्ट विद द व्हील टायर इज स्टीयरिंग एंड द व्हीकल इन द डिजायर डायरेक्शन, स्टीयरिंग इन द व्हीकल। हाँ, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं ये क्या है कि रेल एक्ट एज ए बीम, ये एक बीम की तरह होता है और इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है एक बीम की तरह स्ट्रक्चर है और इसका काम होता है लोड को ट्रांसमिट करना, जो ट्रेन का या फिर जो बोगी का या फिर चाहे वो गुड्स ट्रेन हो या पैसेंजर ट्रेन हो, उसका जो लोड आता है उस लोड को ये रेल से स्लीपर में ट्रांसमिट करना, स्लीपर की तरफ ट्रांसमिट करता है और उसके बाद ये स्लीपर के थ्रू अल्टीमेटली सब ग्रेड में ट्रांसमिट होता है। तो इसका एक काम है उसके लोड को ट्रांसमिट करना स्लीपर में, और दूसरा इसका काम है कि जो व्हील है उसकी स्टीयरिंग को अपने डिज़ायरेबल डायरेक्शन में मूव, एक डायरेक्शन देना, डायरेक्ट करता है ये व्हील को कि अपने डिज़ायरेबल डायरेक्शन में मूव कर सके। नेक्स्ट, टाइप ऑफ रेल सेक्शन। जनरली रेल सेक्शन के तीन टाइप्स हैं, एक डबल हेडेड होता है, दूसरा पुल हेडेड है, तीसरा फ्लैट हेडेड है। जो इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी यूज़ होने वाला है वो फ्लैट हेडेड है। डबल हेडेड है कि इसके ये बीम, जिस तरह का आई बीम स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके ऊपर और नीचे का हेड जो है ये दोनों सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये रेल अगर हम एक ऊपर वाले सरफेस को अगर हम यूज़ कर रहे हैं और जब वो डैमेज होता है, डिस्टॉर्टेड होता है, तो फिर उसको हम पलट के नीचे वाले सरफेस को फिर हम अगर लगा देते हैं तो इस तरह से हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का इसका फैसिलिटी होता है इस तरह के डबल हेडेड रेल में। उसके बाद बुल हेडेड रेल है, इसमें टॉप का जो सरफेस है थोड़ा सा बल्की होता है एज़ कम्पेयर टू बॉटम फेस। और तीसरा टाइप जो है, जो कि सबसे कॉमन टाइप है इंडियन रेलवे में ज़्यादातर यूज़ होने वाला, फ्लैट हेडेड है। इसका जो बॉटम सरफेस होता है वो फ्लैट होता है, ऊपर के सरफेस में ये रेल जो व्हील के हिसाब से जो इसका अपना डायमेंशन होता है उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये तीन तरह के रेल्स हो गए। आगे देखते हैं, द फ्लैट फुटेड रेल्स आर मोस्टली यूज्ड ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। ये इंडिया के अलावा पूरे बाकी देशों में भी ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला। इट हैज़ मोर लैटरल स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ फास्टनिंग आर लेस, एंड इसमें फास्टनिंग जो यूज़ करते हैं इसको रेल को जॉइंट करने के लिए, इसमें कंपेरेटिवली बुल हेडेड और डबल हेडेड के कंपेयर में कम यूज़ होता है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेल।
रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेल का मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये अगर हम रेल यूज़ कर रहे हैं जो भी किसी भी तरह का, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द रेल सेक्शन इज़ टू हैव ऑप्टिमम वेट ऑफ स्टील एंड मैक्सिमम स्टिफनेस। ऑप्टिमम वेट ऑफ स्टील मतलब इसकी डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, जो भी रेल मटेरियल है इसकी डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, हाई डेंसिटी डेंस मटेरियल होना चाहिए। इसमें स्टिफनेस मैक्सिमम स्टिफनेस होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी तो प्रोवाइड द कंटिन्यूस लेवल सर्विस, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए और टू प्रोवाइड कंटिन्यूस लेवल एडिक्वेट लेटरल गाइडेंस फॉर द व्हील रोलिंग। और ये कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग ड्यूरेबल होना चाहिए और एक लेवल सरफेस फॉर द लॉन्ग टाइम, ये एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करना चाहिए लैटरल गाइडेंस के साथ। नेक्स्ट है रेल जॉइंट्स, रेलवे में या फिर रेल्स में जो पटरी जो होती है उसमें किस किस तरह के जॉइंट्स होते हैं। क्योंकि रेल की जो पटरी है उसके एक खास स्टैंडर्ड लेंथ होता है, जो मैन्युफैक्चरर जो होता है एक लेंथ तक ही बना सकता है, बहुत ज़्यादा लेंथ में हम इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये इसका कुछ लेंथ होता है मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर जो कि प्रोवाइड करता है। जनरली इंडिया में एक रेल का लेंथ 13 मीटर होता है और 13 मीटर के बाद जो जितनी लंबी होती है उसे हम लोग को जॉइंट करना पड़ता है कंटिन्यूस रेल के लिए। तो देखते हैं इसमें क्या है। रेल प्रोड्यूसेस बाय द मैन्युफैक्चरर और स्टैंडर्ड लेंथ का होता है। दे आर जॉइंटेड टुगेदर टू प्रोवाइड कंटिन्यूस ट्रैक, उसको जॉइंट करना पड़ता है कंटिन्यूस ट्रैक बनाने के लिए। तो कंटिन्यूस लाइन प्रोवाइड करने के लिए रेल को जॉइंट्स करना पड़ता है। जनरली कई सारे रेल्स को जॉइंट करके हम रेल लाइन बनाते हैं और जॉइंट्स को रेल को जॉइंट करने के लिए फिश प्लेट, जो कि एक ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फिश प्लेट यूज़ होता है, एक तरह का प्लेट होता है जो दो रेल के दोनों साइड से इसको हम लगाते हैं और फास्टनिंग के थ्रू बोल्ट या फास्टनर जो भी है हम यूज़ करते हैं, इसको हम फास्टनर के थ्रू इसको हम जॉइंट करते हैं नट और बोल्ट के थ्रू फिश प्लेट के साथ। आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल जॉइंट, एक आइडियल जॉइंट का रिक्वायरमेंट क्या है या फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए। इट शुड होल्ड रेल एंड इन करेक्ट पोजीशन बोथ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डायरेक्शन। तो सबसे पहला जो रेल के दो एंड को हम जोड़ते हैं वो उसको करेक्ट पोजीशन में रखना चाहिए। करेक्ट पोजीशन का मतलब हो गया जैसे कि अगर हम देखें तो ये दो रेल को अगर हम जॉइंट कर रहे हैं तो इसका करेक्ट पोजीशन कुछ इस तरह का, ये एक साथ होना चाहिए, ये वर्टिकल या ऊपर नीचे ऐसे ना हो, ना ही ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे हो, ये दोनों रेल जो है करेक्ट एक दूसरे के बैक टू बैक ये जॉइंट होने चाहिए। इट शुड प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू इक्वल टू द रेल। इसका मतलब है कि रेल में एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि स्टील का बना होता है। इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है जब उस पर लोड आता है, रेलगाड़ी या ट्रेन के थ्रू जो लोड आ रहा है तो लोड की वजह से वो उसमें डिफ्लेक्शन होता है और लोड जब रिलीज होता है तो वो फिर वापस अपने प्रीवियस पोजिशन में आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी रेल के साथ साथ उसके जॉइंट्स में भी ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसमें भी लोड पड़ने पे वो डिफ्लेक्ट हो और लोड रिलीज होने के बाद अपने पोजीशन को रिटेन कर ले। नेक्स्ट है इट शुड अलाउ फ्री एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेल, क्योंकि स्टील में हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अगर रेल में होता है तो फास्टनिंग या फिर जो उसके जॉइंट्स है तो जॉइंट्स में ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को वो होल्ड कर सके। इट शुड बी ईजी टू मेंटेन एंड शुड हैव लो मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका मेंटेनेंस आसान होना चाहिए और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होना चाहिए। जॉइंट्स कंपोनेंट्स शुड नॉट बी वेरी हैवी, ये बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, इसको कनेक्शन करने में इसका हैंडलिंग आसान होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी रहने से तो हैंडलिंग मुश्किल हो सकता है।
नेक्स्ट है टाइप ऑफ रेल जॉइंट, किस किस तरह के रेल जॉइंट्स होते हैं। ये सबसे पहला है सपोर्टेड, सपोर्टेड जॉइंट। सपोर्टेड जॉइंट कैसा होता है, सबसे पहले देख लें यहाँ पे हम, ये और ये दो रेल है, दो रेल को जोड़ने के लिए फिश प्लेट यूज़ किया गया है। ये हमारा फिश प्लेट है और ये इसके बोल्ट्स हैं, जो कि ये फिश प्लेट रेल के दोनों तरफ से हम लगाते हैं। सपोर्टेड जॉइंट्स कैसा होता है, इन दिस टाइप ऑफ रेल जॉइंट्स एंड्स आर सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन द सिंगल स्लीपर। ये स्लीपर है, ये दोनों रेल को सिंगल स्लीपर के ऊपर सपोर्ट के तौर पे ये हम यूज़ करते हैं, स्लीपर के ऊपर इस रेल को रखते हैं और उसके ऊपर जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट के ऊपर स्लीपर एज ए सपोर्ट हम यूज़ करते हैं, स्लीपर के ऊपर हम रेल को रखते हैं, दोनों एंड्स को हम साथ रख के उसके ऊपर फिर फिश प्लेट के थ्रू उसको जॉइंट्स करते हैं। तो इस तरह के जॉइंट्स को हम सपोर्टेड जॉइंट कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रेल जॉइंट एंड्स आर सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन द सिंगल स्लीपर और टू स्लीपर्स बोल्टेड टुगेदर। ये सिंगल स्लीपर भी हो सकता है या फिर कहीं पे हम दो स्लीपर भी यूज़ कर सकते हैं। दो स्लीपर में हम यहाँ पे एक स्लीपर एक इस तरफ और एक इस तरफ यूज़ करेंगे और दोनों स्लीपर को हम बोल्ट के थ्रू हम जॉइंट कर देंगे, तो ये ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है सस्पेंडेड जॉइंट। इन दिस टाइप ऑफ रेल जॉइंट एंड्स आर प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द रेल बियॉन्ड द जॉइंट स्लीपर। इसमें क्या है, स्लीपर जिस तरह से लैटरल डायरेक्शन में हम ट्रैक में बिछाते हैं उसी तरह से वो रहेगा और जो रेल का एंड है वो थोड़ा सा प्रोजेक्टेड होगा, मतलब स्लीपर से बाहर की तरफ सस्पेंडेड होगा और दोनों तरफ से ये रेल सस्पेंडेड होगा और बीच में हम दोनों को जॉइंट करने के लिए फिश प्लेट, अगेन ये फिश प्लेट है और ये दो इसमें बोल्ट्स हम यूज़ किए हैं और ये फिश प्लेट रेल के दोनों एंड से होता है, दोनों साइड से होता है, अब इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह ये आस इसको दो रेल को पास पास रख के और ये इसको हम जॉइंट्स कर देते हैं और ये सस्पेंडेड है, इस वजह से इसको हम लोग सस्पेंडेड जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रिजिंग जॉइंट। इट इज़ ए जॉइंट वेयर ए ब्रिजिंग प्लेट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द रेल एंड जॉइंट स्लीपर। अब यहाँ पे क्या है, जैसे इस तरह से हम यहाँ पे सपोर्ट दे रहे थे, यहाँ पे सपोर्ट स्लीपर को हम इसी तरह से रखते हैं, ये स्लीपर से हमारे और यहाँ पे स्लीपर को इसी तरह से रखा जाता है, लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये होता है कि इसके नीचे हम स्लीपर और रेल के बीच में एक प्लेट यूज़ करते हैं, जिस प्लेट को हम ब्रिजिंग प्लेट कहते हैं, वो दोनों रेल को इस पर रेस्ट करवा के और इसके ऊपर हम जॉइंट्स करते हैं, फिर से ये दो रेल के एंड्स को पास पास रखते हैं, फिर फिश प्लेट के थ्रू इसे बोल्ट लगा के इसे जॉइंट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सेमी सपोर्टेड और सेमी सस्पेंडेड जॉइंट। दिस इज़ ए काइंड ऑफ जॉइंट वेयर जॉइंट स्लीपर आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर बट रेल एंड रिमेन सस्पेंडेड बिटवीन द बियरिंग। ये सेमी सपोर्टेड या सेमी सस्पेंडेड जो है ये दोनों के बीच का है, इसमें स्लीपर्स और रेल का एंड जो होता है वो सस्पेंडेड के कंपेयर में थोड़ा सा कम ये प्रोजेक्टेड होता है, दोनों एंड की तरफ से थोड़ा कम प्रोजेक्टेड होता है और ये स्लीपर का पास पास होते हैं, इसमें स्लीपर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 50 mm के बीच इसके बीच का दूरी होता है। स्लीपर्स को पास पास रख के रेल को इसके रेल के दोनों एंड को साथ रखते हैं और इस पर फिश प्लेट के थ्रू इसको जॉइंट कर दिया जाता है। तो इस फिगर में हम ऐसा लग रहा है कि ये दो रेल के बीच में ये जो गैप है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये गैप जो होता है कुछ mm का होता है और ये गैप इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जब रेल ट्रेन जब पटरी पे आती है तो एक्सपेंशन होता है इस ट्रैक में, ट्रैक में एक्सपेंशन होने की वजह से ये गैप इस एक्सपेंशन को टॉलरेट करने के लिए दिया जाता है, ताकि ये एक्सपेंशन अगर हो, अगर इसको हम ज़्यादा करीब करीब कर देंगे तो एक्सपेंशन होने की वजह से ये इस ट्रैक को मतलब फोर्स कर सकता है, पुश कर सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस वजह से ये गैप दिया जाता है ताकि इस एक्सपेंशन को वो रसिस्ट कर सके।
इसी के साथ हम लोग यहाँ के लेक्चर ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। अगले क्लास में हम लोग फिर स्लीपर्स के बारे में देखेंगे और अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या क्या है इसमें।